आपको बताऊंगी कि कार चलाना कितना आसान है। मेरे पास है कार मारुति वैगन आर BXI, ये उसका की रिमोट है। इसमें दो बटन्स बने हुए हैं, एक लॉक और एक अनलॉक। तो पहले अनलॉक वाले बटन से हम अपनी कार को अनलॉक करेंगे। ये कार अनलॉक हो गई है। यहाँ पर की को डालेंगे अंदर और ये टिक लेते ही इसकी बैटरी ऑन हो गई है। उसके बाद विंडो ओपन कर लेंगे। ये होता है ABC, A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच। बैठने के बाद सीट बेल्ट जरूर पहन लें, वरना फाइन लग सकता है, ट्रैफिक फाइन, और ये आपकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर ये सीट बेल्ट को लगाने का क्लच होता है, इसे इसमें फिक्स कर देंगे और हम रेडी हैं। कार के कंट्रोल्स के बारे में, ये है स्टीयरिंग और स्टीयरिंग के एक लेफ्ट साइड में है ये लीवर और एक राइट साइड में। राइट साइड वाले को अगर हम अप करेंगे तो ये लेफ्ट इंडिकेटर देगा, मतलब हमें लेफ्ट टर्न लेना है, और अगर हम इसे नीचे डाउन करेंगे तो ये राइट इंडिकेटर देगा, और टर्न लेने के बाद ये खुद ही अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर है हेडलाइट का, जो नाइट में यूज करेंगे हम, ये हेडलाइट हमारी इससे ऑन हो सकती है। अभी ऑफ कर देते हैं। लेफ्ट हैंड पर है वाइपर लिवर, इसमें ये रियर वाइपर मतलब पीछे की विंडशील्ड का वाइपर है, और ये है फ्रंट का। अगर इसे नीचे करेंगे तो ये हमारा फ्रंट का वाइपर ऑन हो गया है। इसकी हम स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं रेन के अकॉर्डिंग, और अगर वन टाइम हमें क्लीन करनी है अपनी विंडशील्ड तो इसे इस तरीके से अपनी साइड पुश करेंगे। अब इसे छोड़ दिया हमने, क्लीन हो गई है, और इसे टर्न करने से रियर वाइपर ऑन होगा चेंज करने के लिए। और इधर है हैंड ब्रेक, स्लोप पर कार जा रही है तो इसे पुश करके ऐसे खींच सकते हैं तो कार रुक जाएगी स्लोप पर। अब हम इसे नीचे कर देते हैं, कार चलने के लिए रेडी है। और ये है गियर चेंज करने के लिए, गियर और क्लच का आपस में कनेक्शन है। अगर हमें गियर को चेंज करना है तो पहले हम क्लच को लेफ्ट लेग से पुश करेंगे। क्लच के लिए होती है लेफ्ट लेग, और एक्सीलरेटर मतलब स्पीड बढ़ाना, और ब्रेक लगाने के लिए होती है राइट फुट को यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम स्पीड दे रहे हैं और जब हम ब्रेक लगाएंगे तो इसे छोड़कर ब्रेक पर इसी फुट को लेकर आएंगे। लेफ्ट लेग सिर्फ क्लच पर रहता है, और क्लच तभी यूज करना है जब हमें ब्रेक चेंज करना है। इग्निशन ऑन करेंगे और ये लेफ्ट फुट से क्लच प्रेस, और यहां से डाला फर्स्ट गियर, और हैंड ब्रेक को डाउन करेंगे। अब धीरे धीरे इस क्लच को रिलीज करेंगे, और जैसे ही कार मूव करेगी एक्सेलरेशन धीरे से प्रेस करेंगे। अब उसके बाद कार हमारी आगे बढ़ गई है। अब ये हमारी कार जैसे ही 15 या 20 स्पीडोमीटर में पहुंच जाता है तो अब हमारा सेकंड गियर डालने का टाइम आ गया है। उसके लिए हम लेफ्ट फुट से फिर से क्लच को प्रेस करेंगे और एक्सीलरेटर को छोड़ देंगे और सेकंड गियर लगाएंगे ये, और अब क्लच को फिर से छोड़ना है धीरे से, और एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे, अब कार आपकी और इजीली आगे मूव करेगी, और स्पीड अब आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, जल्दी से कार आगे की तरफ मूव करेगी। ये देखिए अब हमारा आ रहा है लेफ्ट टर्न, उसके लिए हम लेफ्ट इंडिकेटर देंगे, इसे ऊपर कर देंगे और थोड़ा स्पीड कम करेंगे टर्न्स पर, थोड़ा सा क्लच दबाएंगे और ब्रेक लगाएंगे, और ये कार टर्न हो गई है। गियर चेंज नहीं किया हमने कोई, और अब क्लच को छोड़ते हुए फिर से एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे राइट फुट से, ब्रेक भी राइट फुट से लगता है। अब
हम अपनी कार को स्टॉप करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? ये हमारी कार स्पीड में है, उसके लिए हम क्लच दबाएंगे और धीरे धीरे ब्रेक लगाएंगे। एकदम से ब्रेक नहीं लगाना है और रियर व्यू में जरूर देखना है कि पीछे कोई नहीं आ रहा है। और ये हमने पूरा ब्रेक लगा दिया है और यहाँ से इग्निशन ऑफ कर देंगे और अब क्लच को भी ब्रेक को भी दोनों चीजें रिलीज कर देंगे। इस टाइम हमारी कार गियर में है, सेकंड गियर में। गियर में कार छोड़ने का फायदा ये है कि अगर ये रोड थोड़ी सी स्लोपी होती तो गियर वाली कार ना आगे मूव करेगी ना पीछे मूव करेगी। और अगर आपकी रोड बिल्कुल प्लेन है तो आप क्लच दबाकर इसे न्यूट्रल में ला सकते हैं, हैंड ब्रेक ऊपर कर सकते हैं जिससे कार मूव ना करे। देखा आपने कितना आसान है कार चलाना। इट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। ये रियर व्यू बहुत जरूरी है। इधर साइड के जो हमारे मिरर्स लगे होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि पीछे से कौन आ रहा है उसे देखने के लिए, क्योंकि कार ड्राइव करते टाइम हमें सिर्फ आगे ही नहीं देखना होता है, पीछे और साइड का भी ध्यान रखना होता है। और ये सब चीजें आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस। और कभी भी मोबाइल यूज ना करें ड्राइविंग के टाइम, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं। और सीट बेल्ट जरूर पहने। और अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हो तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।